अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाश्ते से ब्लॉग शुरू हो रहा है और आज हमारा मूड हो रहा है किस चीज का? फ्रेंच टोस्ट का। फ्रेंच टोस्ट का बता अभी तो घंटों में सस्पेंस ही करती रहती हूं, सस्पेंस ही करती रहूंगी इस वीडियो में। तो ये हमें बड़े पसंद है सारे सारी फैमिली को। क्या क्या चाहिए इसमें? तो हम ये बनाने लगे हैं। ये मैं इसके लिए अंडे फोड़ रही हूँ। अंडे फोड़ना क्या होता है? चलो तोड़ रही हूँ। फोड़ना ये कौन सी जबान है? ये भी है। फिलहाल हम दो अंडों से शुरू करेंगे इसको। दो अंडे आपने लिए पैन में और सुबह सुबह आवाज जरा खराब होती है तो इसके लिए एक्सक्यूज मी। चीनी आपने भर भर के डालनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने विस्क ले लेना है। उसके बाद में फेंटना है इनको अच्छा सा। फेंटे इनको तेज तेज हाथों से राख बन जाए। जब तक आप अंडे देखें मैं दूध ले हूं। दो क्या देखना, अंडे तो अंडे होते हैं। ब्रेड है ये, इसमें ना दूध डाल लेते हैं। डाल लेते हैं या दूध डालते हैं? दूध डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा। क्या मतलब है डालें या ना डालें? नहीं नहीं लाजमी है, वैसे तो चिपकेगा नहीं वो। जब तक हम चूल्हा जला के तवा गर्म होने रखते हैं हमारा लाइटर आजकल खराब हुआ है तो हम ये माचिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इतना स्मूथ सा ये पेस्ट बन गए। चीनी हल नहीं हुई लेकिन चीनी हल नहीं हुई लेकिन सही था। वो हो जाती है ऐसा अच्छा हो जाती है। अब ब्रेड जो है वो आपने निकाले चलते रहे इसमें चलने दो बनाने तो है बाद में भी। अच्छा पैन इस पे तवे पे आप थोड़ा सा तेल डाल लें। वो तो हर किसी को पता ही है तेल डालना पड़ता है। इसको अच्छी तरह फेंट दे बस। चीनी मिक्स हो गया, दूध मिक्स हो गया इन दोनों। चलो इस दौर से हम बना लें फिर आपको दिखाते हैं। हमारा पहला बैच तैयार हो गया है फ्रेंड का। इसको मैंने इतना गोल्डन करना है अपने कि जले का टेस्ट ना आए आपको। ठीक है और उसके बाद चेक करते हैं। हाँ चेक करो और बताओ कैसे बने हैं। साथ साथ ही हम आपको रिव्यू दे देंगे कि कैसे बना है। खुद से खुद क्रिटिक्स। हाँ तो क्या है थोड़ी कर सकते हैं, कोई दूसरा टेस्ट करें तो बता सकते हैं। चलो हम अभी खुद ही करके बता रहे हैं। ये देखिए ये आपने इस तरीके से गोल्डन गोल्डन से उतारने। ठीक है बहुत ज्यादा कलर देंगे तो वो जले जले का टेस्ट आएगा, वो इतना नहीं लगता। इसकी मैं इसको आपको अभी बताऊंगी कि एक और आपको टिप दूंगी कि चीनी जो है ना अगर आप पीस के रखेंगे तो वो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। आपने खुद तो नहीं पीसी? मैं अभी दिखाती हूँ ना मैं अभी क्या करूंगी। अच्छा अच्छा इसको आपने डिप किया ऐसे और पलटा ऐसे करके। ठीक है और लिया सीधा ठीक है तो ये तरीका लगा लगे किस तरह से अगेन एक और डाला ऐसे पलटा
तो जज्ब हो जाए इसके अंदर मटेरियल, दोनों तरफ लग जाए ये जब तक ये पकेगा। हम ये चेक करते हैं जब तक, एक और ये ऐसे चेक करते करते सारे खत्म हो जाते हैं हमारे घर में, बड़ी मुसीबत है। माशाल्लाह मैं सारा दिन फ्रेंड दोस्त ही बनाती रहती हूँ, ये जब तक फिर मैं इसको कट कर लूँ इस तरीके से, आपने कट के कटिंग बोर्ड से साथ साथ काट देना है जब तक आप इनको देख लें ऊपर रख लें, चूल्हा कटती है ज्यादा ज्यादा तो उसको आँच को कम कर लें। अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये दिखा रही थी, ये चीनी मेरे पास पीस के रखी हुई है, ठीक है। तो आपको अभी जब मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ दो दो अंडों के, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा आपको कितने बनाने हैं, ये ना हो कि आप चार पांच अंडे फेंट के बैठ जाए उसमें, फिर जब पूरा डिप करता है फिर ज्यादा ये बिल्कुल नरम हो जाता है, वो फिर अच्छा ही लगता है। खाने वालों को भी देख लो कोई उठा कि नहीं उठा, हम नहीं टेस्ट करने हैं सारे, लग तो ऐसे रहा है, एक बंदा आठ आठ पीस खा लेगा तो फिर वो कहेगा कि मैं तो हल्का नाश्ता करता हूँ, चेक करो। नहीं मैंने भी खा ली, मैं खाऊंगी एट मिनट बना के, हम चूल्हे कर देते हैं स्लो और उनको उतार लेते हैं, और जब तक मैं